साथियों नमस्कार। आज के करियर गुरु में गुरु बने हैं गौरव सिंह भी, जो कि आर्किटेक्चर हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के आप विशेषज्ञ हैं, और वास्तु शास्त्र यानी आर्किटेक्चर में करियर की क्या संभावनाएं, कहाँ से पढ़ाई हमें करनी चाहिए, कितनी फीस हमारी लगेगी, कितने सालों का ये कोर्स होगा, कौन से कॉलेज सबसे बढ़िया कॉलेज इसके लिए हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपकी ओर से करने वाला हूँ। सबसे पहला काम मेरा, गौरव जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, जब कभी बात होती है वास्तु शास्त्र की, आर्किटेक्चर की, जी तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? देखिए कॉमन मैन जब बात करता है तो अपने घर की बात करता है, जी, एक आप एक्सपर्ट हैं तो किस तरह की बातें इसमें शामिल करते हैं? मैं यही कहूंगा कि नॉर्मली आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र दो एक अलग विधाएं हैं। अगर हम उसको देखें तो आर्किटेक्ट को ही हिंदी में वास्तुविद कहा जाता है। पुराने ज़माने में जो आर्किटेक्चर कोर्सेज होते थे या जो पढ़ाए जाते थे, उसमें हमें डायरेक्शन और वास्तु और सारी चीज़ों का ध्यान लगाया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो उसी हिसाब से सारे घर बनाए जाते थे और वहाँ पर सुख समृद्धि होती थी। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, हमारी ज़रूरतें बदली, जगह महंगी होती गई, तो हमने ढांचे के ऊपर तो काम करना शुरू कर दिया, बहुत खूबसूरत इमारतें बनानी शुरू कर दी, लेकिन अपने हवा की दिशाएं, सूरज की रोशनी और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने दरकिनार कर दिया, जिसके कारण वास्तु एक अवहेलना की तरह या उसको एक अपेक्षित मान लिया गया। और अब जब वापस हमने उसके इतने 30-40 साल में कॉन्सिक्वेंसेस झेले, तो वास्तुशास्त्र एक सब्जेक्ट अलग से उभर करके आया, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो नया है, कुछ लोग कहते हैं पुराना है, लेकिन अगर आप इसको गहराई से पढ़ें तो वेदों में भी इसका जिक्र दिया गया है। और तब से सारी जो बिल्डिंग्स बनती थी, किले वगैरह बनते थे या घर मकान बनते थे, वो हायरार्की और उसके हिसाब से अच्छे, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से कैसा घर होना चाहिए, रीजन के हिसाब से कैसा ना, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए जाते थे। सामान्य व्यक्तियों के घर करीब 30-40 साल पहले जब बना करते थे तो जी कच्चे हुआ करते थे, तो जी उसमें भी जो वास्तु विज्ञान है उसका ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल, रखा तो जाता था, लेकिन जहाँ कच्चे पक्के की बात है तो वो आम आदमी उस टाइम बहुत गरीब होता था। आजकल जैसे वो अमीर और गरीबी की रूपरेखा है, वो एक जो लाइन ऑफ डिफरेंस था वो खत्म हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो राजा और जो जमींदार होते थे बहुत पैसे वाले होते थे और बाकी बहुत ही गरीब हुआ करते थे। तो वो एक रीज़न था कि उसके पास वही मिट्टी और वही होता था जिससे हम घर बना सकते थे। लेकिन ऑफकोर्स मिट्टी के जो घर हुआ करते थे, वो आज भी हम देखते हैं, हम जिसके लिए पैसे देते हैं रिसॉर्ट्स में जा करके, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये देते हैं उसमें रहने के लिए, ऐसे झोंपड़े वाले जो रिसॉर्ट्स होते हैं, तो वो ऑब्वियसली हेल्थ की दृष्टि से अच्छे होते थे। मिट्टी, गोबर, कंडा, इन सारी चीज़ों का उपयोग होता था, टेम्परेचर को वो कंट्रोल रखते थे। तो उस चीज़ की अगर बात करी जाए तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा होता था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस हर साल लिपाई पुताई करनी ज़रूरी होती थी, तो वो उसकी मजबूरी थी, वो करा करता था उस टाइम। चलिए एक सपना देखते हैं अच्छा घर बनाने का। बिल्कुल आपके साथ।